जब पहली बार मुझे अकेले प्लेन लेकर जाने के लिए कहा गया तो उस समय बहुत डर लगा। पता नहीं मैं अकेले लेकर जा पाऊंगी या फिर नहीं। लेकिन जब पहली बार टेक ऑफ किया तब सारा डर निकल गया। दुनिया बहुत छोटी नजर आ रही थी। ये कहना है शिवांगी सिंह का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिवांगी सिंह के बारे में, जो कि भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल ज्ञान में। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी एक अनिवार्य प्री फ्लाइट चेक के दौरान भारतीय नौसेना के सफेद डॉर्नियर 228 ट्विन टर्बोप्रोप विमान को देखती और परखती हैं। अपने निरीक्षण से संतुष्ट होने के बाद वो विमान के कॉकपिट पर चढ़ जाती हैं और उड़ान भरती हैं। ये विमान भारतीय नौसेना द्वारा सामान्य उपयोग और निगरानी में काम आता है। 24 साल की सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं और उन्होंने ऐसा करके इतिहास रच दिया है। यूं तो महिलाएं दुनिया के हर एरिया में खुद को साबित कर रही हैं और अपनी कामयाबी के झंडे भी गाड़ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मोर्चे ऐसे हैं जिनमें उन्हें दूर रखा जाता है। कल तक नेवी में किसी महिला पायलट का होना एक दूर की कौड़ी लगती थी, लेकिन अब ये सच्चाई में तब्दील हो चुका है और इसे साबित किया है बिहार की मुजफ्फरपुर की शिवांगी सिंह ने। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। 2 दिसंबर 2019 को शिवांगी को आधिकारिक तौर पर नौसेना में पायलट के रूप में शामिल कर लिया गया है। जब शिवांगी से पूछा गया कि उन्होंने पहली बार पायलट बनने का कब सोचा था, इस सवाल पर शिवांगी कहती हैं, मैं 10 साल की थी जब हमारे गांव में एक नेता हेलीकॉप्टर से आए थे। सब उन्हें देखने जा रहे थे। मैं भी अपने नाना जी के साथ गई और तब मैंने हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा और सोचा कि मैं भी पायलट बनूंगी। शिवांगी मुजफ्फरपुर में पढ़ती हैं। बचपन से ही शिवांगी आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन नौसेना के बारे में उन्हें बहुत कुछ नहीं पता था। शिवांगी ने बताया कि जब वो फोर्थ ईयर में यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के लिए नेवी आई थी तो उनकी यूनिफॉर्म देखकर मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। फिर मुझे पता लगा कि बतौर पायलट नेवी की वुमेन एंट्री शुरू हुई है, तभी मैंने सोच लिया कि मैं इस एरिया में जाऊंगी। उन्होंने बताया कि ये मणिपाल इंस्टीट्यूट में एमटेक की पढ़ाई करते हुए एसएसबी की परीक्षा दी, लेकिन वो उसमें असफल रहीं। उन्होंने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक के कोर्स में दाखिला लिया और 2018 में एक बार फिर उन्होंने एसएसबी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि वो सफल हो गई। शिवांगी ने पिछले 6 महीने कोची में इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 550 के साथ डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को उड़ाना सीखा है। फिलहाल वो नौसेना में डॉर्नियर 228 उड़ाएंगी। ये एयरक्राफ्ट नौसेना में पेट्रोलियम के काम आता है, लेकिन नौसेना में महिलाओं को अब भी जहाज पर जाने की मनाही है। इस सवाल पर शिवांगी कहती हैं, अभी भले ही महिलाएं नौसेना में जहाज पर नहीं जा सकती, लेकिन आने वाले समय में ये भी मौके आएंगे जिन्हें मैं हासिल करना चाहूंगी। शिवांगी नौसेना में ट्रेनिंग के अनुभवों के बारे में बताती हैं। जब उनकी सोलो स्टार्ट हुई, यानी जब उन्हें जहाज अकेले ले जाना था, उस वक्त उन्हें बहुत डर लगा कि पता नहीं वो उसे अकेले उड़ा पाएंगी या फिर नहीं। लेकिन टेक ऑफ करने के बाद सारा डर चला गया, जो कि एक अलग ही अनुभव होता है। जब ऊपर से देखते हैं तो पूरी दुनिया बहुत छोटी नजर आती है। अपनी आगे की योजना के बारे में शिवांगी ने कहा, ऑपरेशनल खत्म हो जाए फिर मैं P-81 विमान उड़ाना चाहूंगी। ये एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसकी रेंज ज़्यादा है और ये ज़्यादा समय के लिए उड़ सकता है। अपनी इस उपलब्धि से खुश शिवांगी कहती हैं कि उन्होंने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि इससे और लड़कियों को भी इस एरिया में आने की प्रेरणा मिलेगी। शिवांगी के पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक और माँ गृहिणी हैं। शिवांगी ने प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर के DAV पब्लिक स्कूल में हासिल की है। इसके बाद उन्होंने सिक्किम मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान से बीटेक किया। इसी साल वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत पहली महिला पायलट बनी थी। भावना को लड़ाकू जेट विमान उड़ाने की पात्रता प्राप्त है। वहीं कराबी गोगोई नौसेना की पहली महिला डिफेंस अटैची हैं। असिस्टेंट लेफ्टिनेंट कमांडर गोगोई अगले महीने रूस में तैनात हो जाएंगी।
वो कर्नाटक के करवार बेस पर रूसी भाषा में कोर्स कर रही हैं। इसके अलावा वो युद्ध पोत के निर्माण और उनकी मरम्मत में माहिर मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो शिवांगी सिंह के ऊपर। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।